हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन और स्पेसिफिकली ये वाला है फुल इंक्लूजन मॉडल. ठीक है, सॉरी फॉर द थ्रोट, थोड़ा सा खराब हो रखा है इस टाइम पे. सो दिस मॉडल इज कॉल्ड द पुशिन मॉडल. इस मॉडल को हम लोग फुल इंक्लूजन मॉडल जो है इसको पुशिन मॉडल बोलते हैं. ठीक है, इन दिस मॉडल ना पुशिन क्यों बोलते हैं, स्पेशल टीचर या फिर स्पेशल एजुकेशन स्टाफ जो होता है वो जनरल एडुकेटर यानी कि जो नॉर्मली बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको सपोर्ट मिलता है किसकी तरफ से, स्पेशल टीचर्स या फिर स्पेशल एजुकेशन स्टाफ की तरफ से. जनरल एडुकेटर को जो पढ़ा रहे हैं किस तरह से, टीम टीचिंग साथ में पढ़ा के कोलैबोरेटिव वे में उनको काफी सपोर्ट मिलता है इस तरह से. ठीक है, इन दिस मॉडल देयर इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द रेगुलर एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर. इस मॉडल में क्या होता है, जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर हैं और जो रेगुलर एजुकेशन के टीचर हैं दोनों का ना आधा आधा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. ऐसा नहीं है कि कोई एक ही हैंडल कर रहा है, दोनों इंक्लूडेड होते हैं, दोनों ही हैंडल करते हैं, दोनों ही समझाते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. टीचर में ऑर्गेनाइज अ क्लास इनटू ग्रुप्स और टीच स्टूडेंट साइमल्टेनियसली. टीचर क्या कर सकते हैं, क्लास को एक प्रॉपर ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके पढ़ा सकते हैं. यानी कि सपोज किसी बच्चे को कोई एड्स की जरूरत है स्पेशली कोई एक्स्ट्रा चीजों की, तो एक ग्रुप उन बच्चों का बना दिया और एक आपने दूसरा ग्रुप में नॉर्मली सबको पढ़ा दिया. या टीचर साथ में ओवरऑल पूरी क्लास में साइमल्टेनियसली पढ़ा सकते हैं. वन टीचर कैन लीड एन एक्टिविटी व्हाइल द अदर टीचर कैन वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स और इन डिफिकल्ट कंटेंट एरिया. एक टीचर एक्टिविटी को लीड कर सकते हैं यानी मतलब वो यू नो मेन सबसे पहले उसको संभालेंगे और बाकी छोटी मोटी चीजों में दूसरे टीचर काम कर सकते हैं. सपोर्ट इन डिस्कवरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स थ्रू अकोमोडेशन. यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अकोमोडेशन. मतलब क्या है कि करिकुलम में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, इस सबको इस सब में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. क्या प्रोवाइड किया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. और ये अकोमोडेशंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अकोमोडेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि कोई भी चेंजेस अगर बच्चे की जरूरत के हिसाब से, स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से लग रहा है कि इज देयर इज अ नीड टू चेंज, तो अकोमोडेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा ऑल स्टूडेंट्स आर फुली इंटीग्रेटेड इन टू द जनरल एजुकेशन क्लासरूम एंड नो स्टूडेंट्स आर पुल्ड आउट ऑफ जनरल एजुकेशन क्लासरूम फॉर स्पेशल इंस्ट्रक्शन. पुश, जिसे कहते हैं ना पुशिन, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, यस सो दिस इज पुशिन मॉडल. तो यहाँ पे क्या होता है ना, सारे स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट मिलाया जाता है जनरल एजुकेशन क्लासरूम वाले बच्चों के साथ. ऐसा नहीं होता कि बच्चों को बाहर ले गए कि चलो बेटा दूसरी क्लास में चलो आपको वहां जाके पढ़ाएंगे, नहीं, सबको एक साथ में इंटीग्रेट करके साथ में पढ़ाया जाता है. रिकॉग्नाइजिंग दैट नियरली ऑल ऑफ देयर स्टूडेंट्स हैव यूनिक लर्निंग नीड. ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि हर किसी की अपनी अपनी यूनिक लर्निंग नीड है, हर किसी को जरूरत है हर अलग अलग तरीके से पढ़ने की, ये यहाँ पे ध्यान दिया जाता है. It incorporates as many adults in the classroom as possible, including those who might traditionally serve student with learning disability. जितने लोगों को हम बड़े लोग जो हैं उनको include कर सकते हैं, because ये purpose रहेगा अगर adults को include करेंगे कि वो students को traditionally serve करेंगे, मतलब उनको help करेंगे, उनको कहीं problem है उसमें help करेंगे. This includes the general education teacher, special education teacher, aides and student teacher. इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, but इसमें क्या क्या हुआ, जनरल एजुकेशन के टीचर, स्पेशल एजुकेशन के टीचर और टीचर एड्स यानी जो भी टीचर्स हेल्प करने वाले हैं, या कोई स्टूडेंट टीचर हो गया जो बच्चों को पढ़ा रहा है, या टीचर को हेल्प करने के लिए जो लोगों की जरूरत है, या स्पेशल एजुकेशन टीचर, सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं. व्हाट इज दिस पुशिन मॉडल, ये जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं ये है क्या. विद दिस अप्रोच द जनरल एजुकेशन टीचर एंड द स्पेशल एजुकेशन टीचर वर्क टुगेदर इन क्लोज कोलैबोरेशन. ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, साथ में वर्क करते हैं, कोलैबोरेट मतलब मिलके काम करना. द फोकस यहाँ पे जो है वो है कि बच्चों को पूरी एक्सेस मिल रही है जनरल एजुकेशन करिकुलम की वाइल लिमिटिंग एनी डिस्ट्रप्शन टू देयर डेली स्केड्यूल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं कि चलो बेटा आप बाहर चलिए आपको बाहर पढ़ाएंगे, नहीं, सबको सेम जगह पे पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चों को जो करिकुलम में जो जो चीजें सब पढ़ाई जा रही है. यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर मॉडिफिकेशन चेंजेस हम लाए हैं वो हम क्लासरूम सेटिंग में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे. To implement this approach in the classroom, teacher can form small groups or two or three students group according to their level. ऐसे approach को हम लोग अगर implement करना चाहते हैं, teacher छोटे छोटे groups भी बना सकते हैं, दो या तीन बच्चों के, और या फिर उनके level के according उनको साथ में group का बना सकते हैं, फिर group के according it is easier to teach them.
This can help with personalizing the teacher without sacrificing class instruction time. ये कैसे help कर सकता है? Personalizing the teaching without sacrificing class instruction time. यानी कि इसमें क्या होता है ना, ये mainly जो चीज में help करता है कि मतलब एक तो पहली बात जो भी instruction दे रही है teacher, ठीक है, उनका time भी बहुत waste ना हो, लेकिन हर किसी को personal touch, हर किसी के according ये चीज settlement हो जाए. जैसे maths class है, one group could be working on the basis while a more advanced group should be working on their geometry skill. तो अगर आपने groupism कर दिया, groupism का मतलब अच्छी way में, तो ये वाला group अगर beginner level पे करेगा कोई problem नहीं है, teacher साथ में कर सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा high level और इसके बाद थोड़ा और high level. तो इससे फायदा क्या हुआ, time waste नहीं हो रहा है, ना ही instruction time आपको बाहर ले जाने में, इधर उधर इन सब चीजों में कुछ नहीं हो रहा, आपने एक ही क्लास में ग्रुप बना दिया और आप ध्यान दे पा रहे हो हर एक चीज के ऊपर. The ultimate goal is that all students learn to make their own accommodations and become independent learner. इन्होंने क्या बोला कि ultimate goal क्या है, जब जितने भी students हैं वो अपने खुद की accommodations करेंगे, खुद से समझेंगे क्या है और independent learner बनेंगे. मतलब मुझे पता है कि मेरे को ये पता है, ये problem है, ये है, मैं खुद से समझने की कोशिश करूंगी. Create a match between the student learning style and the teacher matching, या फिर जिसे कहते हैं ना basically टीचर के साथ बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो मैच हो. इसमें एक कॉम्बिनेशन बनता है कि कैसे टीचर जो टीच कर रहा है, यहाँ पे मैचिंग की जगह द सूटेबल वर्ड भी टीचिंग, ठीक है, तो टीचर के टीचिंग स्टाइल एंड स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के बीच में मैच बनता है. इट अलाउज स्टूडेंट टू यूज करंट स्किल्स वाइल प्रमोटिंग वेज टू लर्न न्यू वन. बच्चे अपने करंट स्किल को यूज करते हुए नई चीजें सीखते हैं. स्टूडेंट मिस लेस इंस्ट्रक्शन टाइम. सॉरी, यहाँ पे क्या होता है ना, उनको सबसे बड़ी बात तो टाइम जो होता है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे दे आर नॉट लाइक कीप मूविंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर. वो लोग अपनी जगह पर स्टेबल हैं और वहीं पे वो नई चीजें सीख रहे हैं, ठीक है. सो दे डू नॉट मिस द इंस्ट्रक्शनल टाइम, जो उनका पढ़ाने का टाइम है उसको मिस नहीं करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज उनका पूरा जो फोकस है वो इस बात पे है कि भाई हमें कोई ना कोई चीज सीखनी है और हम लोग को इधर से उधर नहीं जाना है. दे आर लेस डिस्ट्रप्शन टू अ स्टूडेंट डेली स्केड्यूल. बच्चे के डेली स्केड्यूल में बहुत कम डिस्ट्रप्शन है, यानी वो आराम से अपना काम भी कर रहे हैं, स्केड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं. देर इज मोर डायरेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑफ अ स्टूडेंट प्रोवाइडर. डायरेक्ट क्योंकि सब एक ही जगह पे, एक ही इन्वायरमेंट में है, सबके बीच में डायरेक्ट इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा. स्टूडेंट गेट टू लर्न एंड प्रैक्टिस स्किल्स इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम विच कीप दैम इन द लेटेस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट. तो इन्होंने क्या बोला, नॉर्मल सी चीज बोली, यहाँ पे आप ये लिंक भी देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ से लिया है इस पर्टिकुलर आईडी से. सो स्टूडेंट गेट टू लर्न एंड प्रैक्टिस स्किल्स इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम. मतलब वो अपनी सारी स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं एक जनरल एजुकेशन क्लासरूम में, एंड उनको लीस्ट जैसे कहते हैं ना रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट में, वो मतलब ऐसा नहीं कि कोई रोक रहा है या कोई बंदिश है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं और इन्वायरमेंट भी उनके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है. नॉट ओनली डज दिस अप्रोच बेटर मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, but it also reduces the stigma around being a student with learning disability. A student recognize that everyone sometimes needs special help. इससे ये नहीं हो रहा कि सारे बच्चों का time waste हो रहा है, बल्कि बच्चों को ये भी समझ में आ रहा है जब साथ में पढ़ते हैं कि यार मेरे साथ ही बच्चा है, इसको शायद कुछ special ज़रूरतें हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे help कर सकते हैं. So in this way, everyone is learning and you know सब नई चीज़ें सीख रहे हैं और कोई problem वाली situation यहाँ पे है नहीं. Now, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कॉन्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे. को प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग अराउंड डिफरेंसेस इन टीचिंग स्टाइल कैन क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर टीचर. कई बार को प्लानिंग, साथ में प्लान करना, कैसे हमें एक ही क्लासरूम में साथ में कोलैबोरेटिव वे में पढ़ाना है, दैट कैन लीड टू सम प्रॉब्लम. सो को प्लानिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. एंड डिफरेंसेस के अराउंड वर्क करना, वर्किंग अराउंड डिफरेंसेस, मतलब आपको पता है जैसे बोलना चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके बीच में डिफरेंस हो सकता है, आप सामने वाले की सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, तो वो टीचिंग में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. दे ऑफन मोर डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम विच कैन बी इजिली स्पेशली हार्ड फॉर स्टूडेंट विद अटेंशन इश्यूज लाइक ADHD. आपको पता ही होगा यहाँ पे क्या होता है, जो ADHD से सफर करते हैं उनको मतलब जैसे कहते हैं ना अटेंशन वगैरह में काफी प्रॉब्लम होती है, वो अपना अटेंशन नहीं रख सकते हैं, बहुत ज्यादा वो एकदम जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एकदम से कभी भी चेंज फोकस ना रख पाना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है. सो ऐसे में इस सेटिंग में कई बार ऐसे बच्चे सफर कर सकते हैं, उनको फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है. सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. दैट वॉज वन ऑफ द मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन.
ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी काम की वीडियोस मिल जाएंगी वहाँ पे। तो जैसे ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है, इसकी एक प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो मुझे डेली मोटिवेट करता है टू मेक मोर वीडियोज़। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।